गाइस फ्रॉम दिल्ली। यस, अब दिल्ली में हम लोग हैं, अभी पूरी पैकिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले जाना है सेफ एक्सप्रेस में। सेफ एक्सप्रेस कुरियर कंपनी है, आपको पता ही होगा, जहाँ पे हम बाइक्स डालेंगे। कल बात हो गई है, होपफुली आज के दिन वो पूरा काम हो जाए, मतलब कल की हम फ्लाइट बुक कर पाए। तो अभी पैकिंग खत्म कर रहा हूँ। मैंने मेरा पूरा हैवी सामान जो है, जैसे टूल्स और ये सब चीज़ें, वो सब टॉप बॉक्स में डाल दिया, क्योंकि टॉप बॉक्स में बाइक को ही लगा दूंगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि फ्लाइट में 15 kg का चेक इन होता है, चेक इन नहीं, क्या बोलते उसको, चेक इन ही बोलते ना, लगेज हाथ में रख सकते हैं 7 kg। अभी प्रॉब्लम ये है कि 15 kg की इतनी बड़ी बैग होना थोड़ा डिफिकल्ट था, इसीलिए हैवी सामान मैंने टॉप बॉक्स में डाल दिया। अभी इसमें सिर्फ कपड़े ही है, पता चले टॉप बॉक्स भी फ्लाइट में भेजना पड़े तो फिर तो भाई एक्स्ट्रा लगेज का पैसा भरना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ सही रहा तो आप भी ये तरकीब यूज़ कर सकते हो। अभी होपफुली ये जो सामान है अपना टॉप बॉक्स, ये बाइक के साथ चला जाए और फ्लाइट की टिकट बुक करना है। तो पहले नहा लेता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ। ये देखो अपनी बाइक्स हो गई है लोड, देखो टॉप बॉक्स। अभी आई होप कि टॉप बॉक्स चला जाए यार, मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हेवी है ये, बस आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड कि अच्छे से शिप हो जाए। मैं पहली बार कर रहा हूँ ना, इसीलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। भाई कुछ भी दिखा रहा है यार गूगल मैप से, यार दिल्ली के किसी गली में डाल दिया। अरे मेरे भाई गर्मी, ओहो। अरे देखो यहाँ पे बहुत ही इज्जत में चला रहे सब यार, स्पीड लिमिट का लफड़ा है यहाँ पे। तो बड़ी मुश्किल से हमने फाइनली ढूंढ निकाला सेफ एक्सप्रेस। चलो जाते हैं अंदर, चलो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या सीन है। तो चलो अपना काम ऑलमोस्ट हो गया है, बाइक्स यहाँ पे रेडी है, एसी के एसी जाएंगी और एक्स्ट्रा लगेज भी जा रहे हैं देखो अक्षय का। तो ये पूरा का पूरा पैक हो जाएगा, तो पैकिंग वाला आके पैक कर देगा, पैक करने का थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा है। तो मैं सब डिटेल सबको बताऊंगा, बस अभी आई होप कि बादल घर पे अच्छे से पहुंच जाए, हैंडल लॉक नहीं लगाए। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा शायद। यहाँ पे बुकिंग करने वाला बंदा भी नहीं है, तो वो दोपहर को आएगा, बुकिंग करेगा। सब डिटेल्स हमने दे दिए, गाड़ी के पेपर्स और हमारा आधार कार्ड, लेट्स सी। अगर सब सही रहा तो एक हफ्ते में आ जाएगी घर पर। चलो बढ़िया, तो बादल ने संस्कार राइड सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, अभी बस सेफली घर पे आ जाए और इसकी अच्छी सी सर्विसिंग कर देंगे अपन। चलो निकलते हैं। तो हमारी बाइक्स हो गई है शिप, अभी कोई टेंशन नहीं, अभी बस फ्लाइट बुकिंग के लिए हम देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि हम लास्ट मिनट बुकिंग कर रहे हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वी कैन गेट अ वेरी गुड डील ऑन वीगो। सो वीगो इज़ अ ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड जिसकी सर्विसेज काफ़ी सारी कंट्रीज और करेंसीज में अवेलेबल है। इनफैक्ट वीगो इज़ वेरी हैंडी स्पेशली फॉर लास्ट मिनट बुकिंग्स फॉर फ्लाइट्स एंड होटल्स। तो फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग के लिए बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, जैसे कि क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप एक्सेट्रा, उसमें अलग अलग रेट्स होते हैं। तो वीगो क्या करता है, वीगो इन सारी वेबसाइट का कलेक्टिव डेटा एक ही ऐप में आपको दे देता है विद बेस्ट पॉसिबल ऑफर। तो आपको अलग अलग ऐप और वेबसाइट पर जाने की जरूरत ही नहीं, एक ही ऐप से आपका सारा काम हो जाएगा। और वीगो से आप फ्लाइट्स और होटल्स भी बुक कर सकते हैं, इनफैक्ट आप होम स्टेज भी बुक कर सकते हैं। तो आपको होम स्टेज की अलग अलग वेबसाइट जैसे कि एयरबीएनबी, अगोडा, इस पर जाने की भी जरूरत नहीं है, एक ही ऐप पे आपको बेस्ट पॉसिबल डील मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, वीगो इज कम अप विद द लेटेस्ट ऐप जिसमें काफी सारी फन एक्टिविटीज है। इनफैक्ट आप IRCTC से ट्रेन टिकट भी बुक कर सकते हो, और वीगोज ऐप इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लोडिंग ट्रैवल ऐप। तो स्पेशली हैंडी कब होता है, जब हम लास्ट मिनट बुकिंग करते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, या तो हम जब लो कनेक्टिविटी एरिया में होते हैं। सो गो एंड डिस्कवर रियल वैल्यू ऑफ ट्रैवल थ्रू वीगो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेक करना। और जब भी आप ट्रैवल करो, फ्लाइट हो या होटल बुकिंग हो, आप वीगो ऐप यूज कर सकते हो, अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलो तो निकलने का समय आ चुका है और अभी हम तो देखो ये बैग जो मेन लगेज में जाएगी, तो इसमें सब पॉसिबल सामान मैंने ठूस ठूस के भर दिया, बस ये हाथ में रहेगा, ये हाथ में रहेगा और हेलमेट हाथ में रहेगा, दैट्स इट। अभी देखो कितने बजे, 8:15, 11 बजे की फ्लाइट है, निकलते हैं। तो ये देखिए अक्षय जी, अभी अपन जा रहे हैं। तो ये अलग, एक्चुअली इसका T1 टर्मिनल है, मेरा T3 टर्मिनल है, तो ये अभी निकल जाएगा। चलो अक्षय, बढ़िया, मजा आ गया, मिलते हैं अमरावती में अपन, बढ़िया आ गया। लो जी पहुंच गए, भाग भाग के आए हूँ। तो हो चुकी है अपनी फ्लाइट शुरू, और ये देखो यहाँ पे कोई नहीं, ऑल टू माय सेल्फ। और वेब चेक इन में मुझे ये वाली सीट मिली, एकदम सेंटर वाली और विंडो सीट, और बाजू में कोई नहीं। चलो निकलते हैं, बाय बाय दिल्ली, मिलते हैं जल्दी।
तो मैं सब लोग देख रहा हूँ, सब नहीं मतलब चार पांच मैंने फ्लिप करके रखे हैं। तो लो जी, हम लैंड हो गए हैं मुंबई में। और ये देखो अपना सामान, पहली बार मैंने ये लिया है और मुझे सच में इतना अच्छा लग रहा है ना, एफर्टलेसली मुंबई पहुंच गए। बस बादल भी पहुंच जाएगा जल्दी। चलो अभी टैक्सी पकड़ेंगे। तो फाइनली इट फील्स सो गुड टू बी बैक होम। और ये देखो गंदगी, देखो सबसे पहले गंदगी दिखा देता हूँ। ये देखो पूरा घर गंदा है। भाई को बुलाए, भाई आज साफ कर देगी शाम को आके। बस बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। और यहाँ पे भी गंदगी देखो कितनी है, एकदम अजीब सा हो गया हूँ। पैर ऐसे थर थर अजीब से कांप रहे हैं, ये वाला शोल्डर थोड़ा पेन कर रहा है, तो थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। दो तीन दिन में कुछ नहीं करूंगा, राहत की सांस। बस ठकुराइन जो होती तो अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। तो लो जी, हो गया अपना घर साफ। मैं घर पे आया, मैंने आराम भी नहीं किया, बस काम पे लग गया। बाई आ गई, बाई से सब काम करवा लिया। बैग में से बहुत सारे कपड़े निकाले जो धोने के लिए डालने थे, धो के हो गए सब। टेबल साफ, बाथरूम भी साफ। और ये देखो ये सारे कपड़े सूखने को रख दिए और नहा के एकदम सेट। ये सब हो पाया क्योंकि मैं बाइक राइड करके आया नहीं, मैं फ्लाइट से आया। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बाइक शिपिंग का। मुझे बस चिंता हो रही है कि बादल सही सलामत घर पे आ जाए, अभी तक वो दिल्ली से निकला नहीं है। बाय द टाइम दिस वीडियो कम्स मे बी बादल आ चुका होगा या मे बी निकल चुका होगा, आई डोंट नो। लेकिन एक हफ्ते तक आ जाएगा, बोला है होम डिलीवरी, घर पे आ जाएगा। तो बढ़िया है, अभी लगी है तगड़ी वाली भूख। और मुंबई में इतने दिनों बाद आने के बाद सबसे पहले मैं खाऊंगा वड़ा पाव। तो अभी जाऊंगा बाहर, वड़ा पाव खाऊंगा, अच्छे से चाय पीऊंगा। और ये सब मैं आपको दिखा रहा था, क्यों दिखा रहा था, क्योंकि ठकुराइन जी हमेशा बोलते हैं कि मैं होती नहीं हूँ तब घर एकदम गंदा हो जाता है। तो देख लो चकाचक हो गया, मतलब उस लेवल का नहीं हो जितना वो रखती है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से काफ़ी है। तो ये देखो अभी मैं सारे के सारे गेयर्स चकाचक धोने वाला हूँ। ये पूरा आर्मन मैंने निकाल के रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा गंदे हैं। अभी कैमरा में नहीं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतने गंदे हैं, स्पेशली दिस जैकेट। और अंदर से भी जो स्मेल मार रहा है, अरे बाप रे। और ये पैंट एक्चुअली बहुत गंदी थी, अभी थोड़ी पता नहीं वाटर क्रॉसिंग की वजह से धुल गई, लेकिन ये भी बहुत गंदी है, बाप रे। तो ये पूरा आर्मर मैंने निकाल के रखा हुआ है, इसको रखेंगे बाजू में, इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। ये धोएंगे आज, इसको धोने की अच्छी तरकीब मैं आपको दिखाऊंगा। तो करना क्या है कि एक बकेट में एक चीज़ डालनी है, तो ये जैकेट ये एक बकेट में डालूंगा और पैंट दूसरे बकेट में डालूंगा। इसको मैं ऑलमोस्ट आधे से थोड़ा कम, मतलब जितना ये डूब जाए उतना पानी भरूंगा और उसमें टाइड या कोई भी पाउडर जो है उसको मिक्स कर दूंगा। और फिर मिक्स करने के बाद जैकेट उसमें डूबो के रख दूंगा। ज़्यादा नहीं रखूंगा मैं, आधे से एक घंटा बस, उसको आगे नहीं रखेंगे। क्योंकि कैसा नहीं फैब्रिक होता है कि पीछे रिफ्लेक्टर्स होते हैं, चेन होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना, तो ज़्यादा साबुन में पानी में रख के ना वो डिग्रेड हो जाती है जल्दी। दो तीन बार मैं नॉर्मल पानी से उसको निकाल के लटका दूंगा, दैट्स इट। और ये अपने राइडा के शूज़, इनको भी मैं धोने वाला हूँ। ये देखो हालत कितनी ख़राब है, तो इसको मैं क्या करूँगा, हल्के से सोप वाटर से ना ये क्लॉथ से उसको पोंछूंगा, फिर हल्के गीले क्लॉथ से उसको क्लीन करूँगा और फिर इस पर मैं पॉलिश मार दूंगा ब्लैक वाली। तो आधे घंटे बाद देखो मेरे न्यू शूज़ एकदम ब्रांड न्यू लगने लगे, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि 4000 किलोमीटर इस पर मैंने गाड़ी चला ली है। वाह क्या बात है, हल्के हल्के गंदे लेकिन दैट्स ओके। अच्छे से मैंने इसको सुखा के पॉलिश कर दिया है, अब इसको रख दूंगा अगली राइड के लिए। वैसे अगली राइड शायद जल्दी हो सकती है। और लगातार मैंने मेरे पुराने बूट्स भी पॉलिश कर लिए, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। ये एक्चुअली ओराजो के बूट्स है, ये अपने राइडा वाले बूट्स है, ये प्रॉपर राइडिंग बूट्स है, एकदम प्रॉपर प्रोटेक्शन वाले। ये जो है ओराजो के, ये लोग राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं, मैंने भी यूज़ किया है, लेकिन एक्चुअली में ये सेफ्टी शू है। तो ये ऐसा प्रॉपर राइडिंग के लिए 100% बना नहीं है, जैसा ये है ये सेफ्टी शू है। लेकिन कम्फर्ट और सेफ्टी वाइज मैं अगर रेट करूँगा ना, तो बॉस ये बहुत ही सॉलिड है। ये दिखने में बहुत बड़े लेकिन बहुत कम्फर्टेबल है बॉस। और अब पॉलिश करने के लिए मैंने अपना नॉर्मल ब्लैक वैक्स यूज़ किया ये ब्रश के साथ। तो ये देखो मैंने एक घंटा गेयर पानी में डाल के रखा और ये पानी का कलर देखो, अरे बाप रे, और अजीब सा स्मेल आ रहा है। तो ये देखो मैंने मेरे राइडिंग गेयर्स बाहर लटका के रख दिया। अभी इसको कुछ ऐसा पीलने का काम नहीं है, बस ऐसे ही डाल देने का, ये पूरा पानी जो बहता जाएगा और फिर कल तक ये सूख जाएंगे। अच्छा खासे क्लीन हो गए, ये देखो सही है। सो फाइनली हमारी जंस्कर राइड सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके है। मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ आप लोगों का, इतना सारा सपोर्ट, इतना सारा प्यार देने के लिए, कमेंट्स के रूप में, लाइक्स के रूप में, व्यूज़ के रूप में। मुझे
लगा नहीं था कि इतने लोग कनेक्ट कर पाएंगे राइड को, इतने लोगों को अच्छा लगेगा। और इतना मेरा थोड़ा एडिटिंग का थोड़ा नया स्टाइल इस बार मैंने ट्राई किया, थोड़ा इम्प्रूव करने का ट्राई किया, काफ़ी लोगों को इनफैक्ट सबको पसंद आया वो। थैंक यू सो मच। मुझे काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स कॉल कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स इधर उधर से कॉल कर रहे हैं, जहाँ पे भी मिले मुझे बता रहे हैं कि भाई आपका वीडियो देख के मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा था कि हम ही राइड कर रहे हैं आपके साथ, ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत खुशी हुई कि मैंने लोगों को एंटरटेन किया, काफ़ी लोगों को एजुकेट किया वो रीजन के बारे में, और एक नई चीज़ आपको दिखाई। काफ़ी लोगों ने आई एम वेरी श्योर संस्कार कभी देखा नहीं होगा, तो काफ़ी लोगों को मैंने एंटरटेन किया। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तो खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो, बस विश करो बादल अपना सेफली आ जाए। शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको दिख जाएगा बादल आया हुआ, या उसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फॉलो मी इंस्टाग्राम फॉर लाइव अपडेट्स, काफ़ी कुछ होने वाला है।